अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब ये कह रहे हैं कि मैंने अली रज़ी अल्लाह तआला को कहा कि आप इस काम से दूर रहें और अल्लाह जो है वो मुआविया को अल्लाह गालिब करके रहेगा, यानी वईमुल्लाही लयज़हरन अलैही मुआविया, कुरान से जब वो इस्तदलाल कर रहे हैं, कुरान पढ़कर फरमा रहे हैं कि अल्लाह की कसम अल्लाह मुआविया को तुम्हें हुक्मरान करके रहेगा, अल्लाह गालिब करके रहेगा, तो वो फिर पसंद नहीं कर रहे थे तो क्या कर रहे थे। यानी एक शख्स जो है वो किसी की गलबे पर, किसी की मदद व नुसरत पर, कि अल्लाह इन्ना हूँ काना मंसूरा, उस आयत में मौजूद है कि अल्लाह मदद करेगा मुआविया रज़ी अल्लाह तआला की, अल्लाह उनको गालिब कर देगा, जब वो कुरान से इस्तदलाल कर रहे हैं तो वो क्यों पसंद नहीं करेंगे प्यारे भाई। यानी वे फिर कौन सी वजह है कि उसको पसंद नहीं करेंगे। जिस शख्स के फजाइल में कोई शख्स कोई कुरान की आयत पढ़े और वो कहे कि ये इस शख्स के गलबे पर, इस शख्स की मदद और नुसरत पर दलालत करती है, तो पसंद क्यों नहीं करेंगे। यानी कोई शख्स ये कहे कि अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास ये तो कह रहे हैं, ये तो फरमा रहे हैं कि अल्लाह की कसम अल्लाह मुआविया को तुम्हें गालिब करेगा और मुआविया को अल्लाह मदद भी करेगा, लेकिन अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास इसको पसंद नहीं कर रही है, तो नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, ये माना बन जाएगा कि अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास कुरानी हुक्म की मुखालफत कर रहे हैं ये जानकर, और ये लोगों को बता करके अल्लाह को, अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह मुआविया रसूल को अल्लाह गालिब करेगा क्योंकि मुस्लिम की हिमायत के लिए खड़े हुए। यानी वो कुरान से इस्तदलाल भी कर रहे हैं और पसंद भी नहीं कर रहे हैं, तो नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक मुफस्सिर कुरान की तौहीन हो जाएगी भाई।